प्रेम नहीं आएगा ना। बोस बोस ही रेसी है, जन सेवक होगा या बताओ। बोलो नाथजी महाराज की, उदरी बाबा की जय, दक्षिणनाथ बाबा की जय। मेरी जन्मभूमि रोसावा, मेरा ननिहाल फतेहपुर, यहाँ बैठे हुए मेरे मामा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे काका, उससे बड़े मेरे ताऊ, हर रिश्ता यहाँ बैठा है। जिंदगी में ननिहाल एक वो स्थान होता है जहां आदमी को इज्जत मिलती है, सर्वाधिक प्यार मिलता है सर्वाधिक। और मैं इसी फतेहपुर का जन्मा जाया हूं, सारनाथ जी के आज मंदिर के पास मेरे नाना जी का घर मोहनलाल जी बाजिया, मैं उनको प्रणाम करूंगा, गुरुजी को प्रणाम करूंगा। मेरी जिंदगी में इस प्रकार जो मार्च फेस को आपको जो फेस कर रहा हूं, पहला मौका है इस तरह, पहला मौका, बाकी तो एक बहुत कॉमन प्रोसेस है मीडिया के साथ मुझे बात करना और सभी से। और यहाँ वो पत्रकार मेरे मामा बैठे हैं जिन्होंने आज के 30 साल पहले मैं अखबार में लिखा था कि श्रवण हो सकता है सीकर से भाजपा उम्मीदवार, वो भी मिल जाए फतेहपुर से तो शायद अपन अगले बार में भी काम लेंगे। मैं एक बात सबसे पहले शुरू में कहता सभी साथियों से, मेरी मन स्थिति कुछ ऐसी है, एक कोई सेठ जी थे, दिवाली के दिन, इस दिवाली के बाद अपने घर के कुछ लोग आते हैं, उनको अपन मिठाई देते हैं, उनको अपन भिखारी नहीं कहते, जुड़े होते हैं परिवार के लोगों को मिठाई दिया, कपड़ा दिया। तो एक सेठ के यहाँ एक व्यक्ति आया, उसको लगा सेठ मुझे कुछ दे देगा 10-5 रुपए, लेकिन सेठ उस दिन खुश थे, हो सकता है मेरे तरुण के बेटे को भी कोई अमेरिकी टिकट अचानक मिल गई होगी ईश्वर की कृपाओं से। तो सेठ ने 10 रुपए की उम्मीद थी, उसको 100 का नोट दे दिया। अब आदमी को 10 रुपए की उम्मीद थी, 100 का नोट मिल जाता, तो उसकी बुद्धि काम कौन करती है। इस धरती पे दो ऐसी परिस्थितियां होती है, मेरी बात शुरू करने जा रहा हूं, दो ऐसी परिस्थिति होती है कि उन परिस्थितियों में जो आदमी संयम रखता है वही इंसान है। बुरे से बुरा वक्त आ जाए तो शब्दों पे नियंत्रण ना खोए, लेकिन बहुत खुशी आ जाए तो भी नियंत्रण ना खोए। उसी में भी आदमी एक ही की बात करने लग गया, गम में भी आदमी एक ही की बात करने लग गया, तो आज जब उसको 10 के बजाय 100 रुपए मिले, उसका ऊपर का दिमाग का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया और उसने बड़े जोश में कह दिया कि सेठ जी ये बात दिवाली आई है, अगली बार थोड़ा दिवाड़ो आ जाए। सेठ का उत्तर समझ रहा, सेठ समझ गया कि इसका दिवाली या दिवाड़े से दिवाड़े का मतलब नहीं है, इसके पास कोई शब्द नहीं था कि ये कहना चाहता दिवाली से बड़ी कोई चीज आ जाए तो इन शब्दों एकड़ मेकड़ हो गयो, तो सेठ का मतलब समझदार था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर भाई, तेरे शब्द तू ले जा और तेरी भावना मुझे दे जा। तो मेरी भी ऐसी स्थिति है, 25 दिन पहले हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं भाजपा का एक वो नियमित स्कूल का विद्यार्थी बनूंगा, मैं भाजपा विचारधारा आदमी बचपन से, वो बात ही नहीं है। और मुझे विधानसभा एक इतनी जिम्मेदारी का पद, देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया का सबसे सक्षम नेता हमारे लीडर हैं, मेरी भाषा में हमारे बोस हैं, उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिलेगा। हमारे तो घर में 14 नवंबर से 28 नवंबर तक की न्यूजीलैंड की पूरे परिवार टिकटें घूमने के लिए बड़ी हुई है, हम तो वहां जाने के सोच रहे थे, लेकिन अचानक ही हुआ तो भाव अलग चेंज हो गए। तो मेरे दोस्तों, मेरा उसी भाव में हूं, मेरे सब आगे पीछे हो जाए, मैं माफी चाहता हूं। मैं नहीं कहता कि पॉलिटिशियन को अलग बात करते, मैं पॉलिटिकली बात शायद हो सकता है 1-2 साल नहीं सीख पाऊं। पॉलिटिकल बात का मतलब है कि डिप्लोमेटिक बात, जैसे मैं कई बार जवाब दूंगा इस मीडिया आपको प्रेस वार्ता में, तो मेरी भावना आप लेके जाए, भावना क्या है वो सुन लो। भावना यह कि मुझे पार्टी ने आदेश किया कि श्रवण जन्मभूमि के प्रति कोई फर्ज नहीं है क्या, एक लाइन थी जिसने मुझे हाँ करवाई। नहीं तो पिछले बार मदनलाल जी सिंह जो मेरे गार्जियन थे, वो सीकर की पार्लियामेंट टिकट के लिए मुझे खूब मोटिवेट किया, अब दुनिया में नहीं है, उनको प्रणाम करता हूं, मैंने कहा मेरे कोई मूड नहीं है। फिर उसके बाद 2-3 ऐसे वीडियो भी मार्केट में है, पुतरी मंडी में आया था, इस बार हमने 10 डॉक्टर दिए आपकी फतेहपुर में मेरी कोचिंग से, मैंने साफ कहा है उस वीडियो में कि साहब मैं बिल्कुल, मेरा राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब कुछ वीडियो को भाई वायरल करते हैं, मेरी उसमें भाषा में गाली थोड़ी है, उसमें कोई किसी इंसल्ट थोड़ी कर रहा हूं, वो विचार था मेरा। खाना खाने से पहले विचार तो बदलते कैसे लोग, अभी आपको भूख लगी हुई है, रूखी रोटी खा लोगे और पेट भरा हुआ हो
और बुआ की मिठाई लेके तुझके को कहा बुआ थोड़ी पहले आज लड्डू खा लेता, पेट भरा हुआ है। खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद विचार अलग होते, जीवन में कब कौन सी सुबह का विचार बदलते पता नहीं चलता है, जिंदगी में कौन सा पल। तो एक पार्टी ने मुझे कहा, पार्टी ने एक लाइन कही कि जन्मभूमि के प्रति आपका दायित्व नहीं है क्या। फिर मेरे परिवार में बात हुई मेरी, मेरे दोनों बेटे जो कोचिंग संभाल रहे हैं, उन्होंने कहा कि पापा अब आप आराम से समाज की सेवा कर सकते हो 5 साल बाद, पर वो आज हम आज भी कर रहे हैं। समाज की सेवा क्या होती है, क्या हम हजारों हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चलो फीस ली, लेकिन सीकर में कोचिंग डेवलप कर दी ना, एक सिस्टम तो डेवलप कर दिया ना। एक आदमी ने कहा कि साहब कोचिंग पढ़ाते हो, उसमें मेरी बात थोड़ी जुड़ने में टाइम लगे, मैंने कहा बिल्कुल साहब लेनी पड़ेगी, आपसे मैं 100 रुपए लूंगा तो मुझे 90 रुपए लोगों बांटने में स्टाफ कहां से आएगा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल देता हूँ, आज आप हमारे फतेहपुर में किसी आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, बोरी रिपेयर भर रखी है तो हार्ट का जो डॉक्टर ही नहीं है, क्योंकि रिपेयर इलाज बोला पिसा करा गया, सुविधा बहुत जरूरी, हमने सीकर सुविधा दी, राज सीकर किस लेवल पे खड़ा है। तो अप्रत्यक्ष रूप से मैं समाज से जुड़ा हुआ था, मेरी उम्र 52 साल है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने फील्ड में क्या काम किया, लोगों स्वीकार करो मेरी 52 साल की छोटी जिंदगी है। मेरे बापू एक आधिकारिक बापू ने दंगल मूवी वाले वैसे थे, घर से बाहर 8 वर्ग में काम नहीं है, उसी की देन इधर बैठा हूं। 12वीं तक पढ़ाई की, छोटी सी जिंदगी है, सिलेक्ट इंजीनियरिंग में हुए, 90 में सिलेक्ट हुए, कोटा इंजीनियरिंग करने चले गए, 95 पे इंजीनियरिंग की डिग्री की, छाड़ में कोचिंग में लग गया, सुबह 7 बजे क्लास में घुसता था, रात को 7 बजे बाहर आता था, 2016 का भाई पता नहीं चला, छाड़ में घुसा था क्लासरूम में 2016 तो पता ही चला 20 साल कब गए। 16 के बाद बड़ा बेटा आया, थोड़ा फ्री हुआ, छोटा बेटा आया थोड़ा फ्री हुआ, तो पिछले 4 साल में मिलना शुरू हुआ हूं। निश्चित रूप से मैंने 20 साल वहां तपस्या ढंग से की, तभी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझे इस बात का मौका दिया ना, नहीं मेरी खुशबू आ रही है क्या। दूसरा, जिंदगी घटनाएं फिक्स होती है, थोड़ी सी मेरी बात लंबी हो सकती है। नारद जी भगवान राम के पास, विष्णु के पास गए, कोई स्वयंवर हो रहा था कहीं, उस स्वयंवर के अंदर स्थल थी कि सबसे सुंदर व्यक्ति को वो लड़की जो राजकुमारी माला पहनाएगी। नारद जी गए विष्णु के पास कि आप ऐसा करो आपका रूप दे दो, भगवान तो सुंदर को है नहीं, अपना रूप दे दो। उनका यदि का सुंदर रूप दे दो, अपना रूप दे दो, मुझे स्वयंवर जाना है और आपका आप तो मेरे साथ जाएगी मेरी। भगवान ने कहा तथास्तु। अब नारद जी चले गए स्वयंवर में, अब विष्णु का बंधन रूप भी है, उन्होंने उनको वानर रूप दे नारद जी को। अब वो नारद जी उस रूप को लेके वहां गए स्वयंवर में, ऐसे आगे मुंह करें, अरे सुंदर तो मैं हूं, मेरे पास तो विष्णु का रूप है, तो उनको माला नहीं पड़े, वरमाला वरमाला किसी और को शादी होगी। अब जब साथ माला होगी तो वो विष्णु पे उनपे आसन तो नारद जी पे, तो नारद जी ने फिर आईना देखा तो लूंगा कांच देख तो वानर का रूप था। नारद जी गुस्से में विष्णु को आगे श्राप दिया कि भगवान आज मुझे आपने वानर रूप बना के मेरा मजाक बनाया है, स्त्री के शादी के लिए मैं श्राप देता हूं, आपकी शादी के बाद आप भी इससे स्त्री के वियोग में तड़पोगे और एक वानर आपकी सहायता करेगा। विष्णु मुझ रहे तथास्तु। अब नारद जी को लगे तो क्या हुआ, और जब ये श्राप मुझे लेना था, मुझे कुछ सालों बाद जमीन पे जाना है, धरती पे जाना है, राम के अवतार लेना है, रावण को मारना है, सीता का पूर्ण होना है और भगवान मेरी सहायता हनुमान जी करनी है, ये श्राप मुझे लेना था। घटनाएं फिक्स होती है, मैं 52 साल पहले रोसा में पैदा नहीं होता तो मुझे टिकट नहीं मिलती, क्योंकि यदि ये मेरा जन्म होता लक्ष्मणगढ़ में मुझे कौन टिकट देता, ये मेरा जन्म होता सीकर में मुझे कौन टिकट देता। तो दोस्तों रोसाओं में जन्मना मेरे लिए 52 साल पहले लिख दिया था कि 52 साल बाद इस व्यक्ति को यहाँ भाजपा की टिकट दी जाएगी। मुझे पार्टी ने की बात कही है कि 30 साल हो गए कमल खिले हुए, 30 साल हो गए कमल खिले हुए, आपको कमल खिलाने का जिम्मा दिया जाता है। मैंने कहा साहब मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं तो आखिरी, मैं तो यहाँ जितने मेरे बैठे सब गार्ड में माइक बैठे हैं, मैं तो इस पार्टी का आखिरी कार्यकर्ता हूँ ऑफिशियली। वैसे मैं मेरे जन्म से संस्कार से वही हूँ, मेरी संस्था में जो टोटली देखा जाए कॉमर्शियल कहेंगे वहां भी 7:30 बजे रोज हनुमान चालीसा होता है जो 2012 से हो रहा है, ये संस्कार नहीं, तो संस्कार क्या होता है। 2012 से आज 1000 बच्चा मेरे विजय ग्राउंड पे बैठ के इसके दुनिया भर के यूट्यूब के वीडियो पड़े हैं। लोगों ने कहा क्या क्या समाज के लिए, जब कोरोना काल चल रहा था हम संस्था वालों ने 4.5 करोड़ रुपए इकट्ठे करके दिए हमारे जिला कलेक्टर को, जिनमें से पहला चेक 10 लाख रुपए का मैंने दिया था, ये सारे वीडियो पड़े। फिर मैंने मेरे गांव में अपील की, मेरे रोसामा गांव के मेरे भाइयों ने 1.5 लाख रुपए दिए और 29 लाख रुपए मेरी अपील से और दिए
10+29, 39 लाख रुपए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीएलसी की अपील से लोगों ने दिए, मेरे अपनों ने दिए, ये सहयोग होता है। फिर एक आरोप लगता है दूसरा, मैंने दो दिन पहले मैं कहता, मैंने कहा मैं 3 दिन सीएलसी को दूंगा, 3 दिन फतेहपुर को दूंगा, मैं झूठी बोल सू, मैं 24 घंटा दूंगा, नहीं बोलना मैं झूठी, मैं सीएलसी को बिल्कुल छोड़ दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? तो इसका मतलब ये कि मुझे हाथ पांव उल्टे मार, बिल्कुल साहब मेरे लिए फतेहपुर सर्वोपरि, मतलब तो आया हूं सोच के, लेकिन मैं डिप्लोमेटिक बातें नहीं कर सकता, मेरे दोनों बच्चे कैपेबल है। 24 घंटे 365 दिन मुझे बताओ, जो विधायक बनेगा उसका काम क्या? 24 घंटे 365 दिन कौन सा काम करेगा भाई? 5 साल। तो ये सब दर्द थे मेरे, तो ये सब चीजें मुझे आरोप लगा, मुझे बहुत परेशान किया, क्यों बाकी कोई ढंग के आरोप होते तो मुझे तो ये मेरा दर्द था जो मैंने शेयर किया परिवार में। अब मैं विजन पे बात करता हूं। विजन, मैं उस समय भाजपा परिवार जुड़ा हूं जब शिक्षा नीति अपडेट हो चुकी है, शायद अभी आपको बहुत सोने पता है सिलेबस आ चुका है, नए शिक्षा नीति, मैं शायद इस शिक्षा नीति के नए फॉर्मेट में मुझे इस पार्टी ने जोड़ा है, भविष्य में क्या छुपा हुआ मुझे 1 महीने पहले नहीं पता, मैं इस तरह बात करूंगा, अगले 1 महीने बाद क्या होगा, भविष्य क्रम में क्या छुपा, 2 महीने बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, लेकिन अब मैं उस पार्टी का एक व्यक्ति हूं, मैं मेरी बात रख सकता हूं और मैं भरे मन से कह सकता हूं कि हमारी शिक्षा नीति है वो श्रेष्ठ है, बेस्ट है, जिसको हमें अप्लाई करनी है, भारत का भविष्य हो। फतेहपुर में छोटी सी बात कहूं आपको, फतेहपुर में सरकार के पैसे की जरूरत ही नहीं, हमारे सेठ इतने बड़े हैं कि उनसे पैसा लाने वाला विधायक होता ना तो वही जमा कर देता है। और मैं सबसे पहले उन सेठ को प्रणाम करूंगा, वो चाहे धानु का हो, चमड़िया हो, पोदार हो, भाई उन्होंने स्कूलें कॉलेज बढ़ाई तभी तो मैं श्रवण इस स्टेज पे आया, उसमें जितना रोल मेरे माँ बाप, मेरे पूर्वजों का है, मेरे गुरुदेव का है, मेरे नाथ जी का है, उतना ही रोल उन सेठ सौकरों का भी है जिन्होंने स्कूलें बनाई यार, हम पढ़े कैसे पढ़ते हम लोग, सरकारी स्कूल वहां से भाई कितनी होती थी, 8 गांव स्कूल होती थी। मैं उनका एहसान मंद हूं, मेरा पहला काम रहेगा मैं उन सभी सेठ साहूकारों का फतेहपुर की धरती पे लाके सम्मान करूंगा, हमारे पुरुषों के तुल्य हैं, और फतेहपुर में उन लोगों से रिक्वेस्ट करके, निवेदन करके, प्रोग्राम दोस्तों समझाना होता है उनसे, सरकार है, सरकार भाजपा की बनने वाली है, केंद्र सरकार हमारी है, आने वाली सरकार 3 दिसंबर को हमारी है, 2 सरकारों का फंड है, हमारे सेठ साहू फंड है, हम इस फतेहपुर को डेवलप करेंगे। टूरिस्ट की बात आज तक कोई नहीं कर पाया, क्यों भाई मंडाव में ऐसा क्या हो गया कि हमारे जो हवेलिया मंडाव में है समकक्ष वैसी फतेहपुर में भी है, लेकिन शायद कभी ध्यान ही नहीं गया। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, बहुत छोटी बात मैं नहीं करता, जात पे, धर्म पे, इस पे भी आरोप कई बार लगते हैं साहब, मेरे कुछ साथी है, मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा, मेरे घर में मैं रोज पूजा करता हूं, तो आज नहीं बनाया मैंने, पिछले 20 साल से 18-20 साल हो गए होंगे मेरे घर में, अब ये किससे बोल रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स में बोलना पड़ रहा है मेरे कोई, और लाइव सब तरह से बोल रहा हूं, मेरे घर में जो मेरी पूजा की तैयारी करता है वो लड़का खन्ना राम जात के नाई परिवार से, हमारे घर में जो दो माँ बेटी खाना बनाती हैं वो दोनों ऐसी जो हम कहते हैं, मैं तो नहीं मानता, मैं किसने बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये अधिकार मांगने से ना मिले पाप संताप हो जाए तो बोलो धर्मराज जिए मर जाए, तो इस तरह क्या हो सकते किसी आदमी में यार, तो वो मेरे घर पे है। फिर कई मुस्लिम भाई कहते हैं साहब हमने, मेरा ड्राइवर पिछले 20 साल से हिदायत नाम का है, हमारे घर में कोई नई गाड़ी आती हिदायत लेके आता है, मेरे बेटे की शादी हुई, बेटे बहू को लाने जिम्मा हिदायत सौंपा गया, इसलिए सब कुछ बहुत परेशान। तो दोस्तों हम सब मिलके नया फतेहपुर, पुरानी भाजपा, नया फतेहपुर, नई भाजपा, नया फतेहपुर, नए बच्चे जब तक, एक टापर एक आंख बनाई मेरी, बोलो अंकल 32 साल का हो गया आप, 30 साल पहले आप बिंडा जी जो मामा जी नजार में नारायण के फ्रेंड रहे वो विधायक बने, मैं तो भी टापर था, मान तो कोई विधायक देखिए, तो दोस्तों अपनों को अपना विधायक देखना है तो आप अपने श्रवण को, भाई को, काका को, भतीजे को, भांजे को जिताओ, आप सब मेरा सहयोग करो, आपकी गुरु जी और सब बैठे हैं मेरे मित्र जानू जी और हमारे सरोज हमारे भाई को में ओम प्रकाश जी और दोस्त का बेटा है और गोवर्धन जी, बीजेपी सुनो, बीजेपी कब हारी आप 2003 में आ जाओ, मैंने इस पर थोड़ा वर्क किया है, 2003 में मैं लाइव कर रहा हूं, ये तो मानते हो 2023 की बीजेपी 2003 से तो बहुत बहुत बड़ी है, हिमालय है, उस दिन भी जब माननीय नंद किशोरी टिकट लेके आए, जब उनकी व्यक्तिगत कोई पहचान नहीं थी श्रवण की, तो आज भी आपके सामने आपके बेटे की पहचान है, श्रवण एक पहचान रखता, मैं बिताओ अहम नहीं कर रहा हूं, तब हमारे दो साथी परिवार के बाघेरी जी, भगवान जी, मामा जी, बंडले खड़े हुए,
पिंडा जी के 15,500 वोट भागी संख्या दुला के चल सकते हैं, 15,000 मान लो 15,000 वोट पिंडा जी मामा जी के हैं, 15,000 वोट हमारे भागी जाखड़ के हैं, और उस समय भी 20,000 वोट सिंबल पे आए दोस्तों, जब सारा सब कुछ सिस्टम बिल्कुल विरोध था। मेरा तो कोई विरोध भी नहीं है, मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरे से परिवार की कुछ साथियों की देखो जमतस्कर लोग कई बार होते हैं, तो माँ को एक लड्डू कम दे दो, माँ मुझ जमा पाया लड्डू कम यहाँ दे दू चलता है, पार्ट ऑफ फैमिली, नॉट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। उस समय 15,000 मामा जी भिंडा जी के, 15,000 भागीरथ भाई के, 20,000 नंद किशोर नोट नंद किशोर थी बीजेपी के हमारी के, ये 52,000 वोट होते हैं। उस समय भी 42,000 वोट भवन खा जी के आए हुए, बीजेपी 2003 से अपना मेरे बना सकती थी, काश हम सब साथ रहते, हम 10 जगह यदि खड्डा खोदेंगे तो कुआ पानी नहीं बनेगा, उन 10 खड्डों को एक साथ बनाओ तो कुआ बन जाएगा दोस्तों, जिंदगी में हमें नमाज जय एक ही बात ना चाहता हूं, आप मेरा जितना उपयोग कर सकते हैं करके कमल खिलाएं, मेरे को जिस आदेश पार्टी ने भेजा है, हो सकता मैं सबसे मिल नहीं पाया, श्राद्ध पक्ष चल रहा था, मैं बहुत प्योर धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं श्राद्ध में कोई ऐसा काम नहीं शुरू कर पा रहा था, बस हाँ व्यक्तिगत में जो इतना आदेश था अभी कि हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनको साथ देके पार्टी के परिवार को मिलो, उनसे मिले, कुछ परिवार के लोगों से मिले। अब हम लोग कल अगला प्रोग्राम क्या रहेगा वो हमारे जानू जी और पैसा बताएंगे, तो जानू जी बताएंगे हाँ, कल एक उसके बाद वापस अगला प्रोग्राम, तो अभी कल से हमारे दौरे स्टार्ट होंगे, और मेरे को तो ये आरोप लगा है किसी ने कि 9 बजे उठता है भाई, 9 बजे उठा हमारे कुछ क्या चलती, मैं 6 बजे उठता हूँ, जगह टावर पटेल बारे में क्या उठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, रात को सोता हूँ 1 बजे बस चुको, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे 2000 लाइव वीडियो पड़े, 2000 वीडियो पड़े मेरे फेसबुक पे, उनमें से आपने ये निकाला कि मंडी में ये कहा मैंने कि प्लांट लूंगा, उसमें ये भी निकालो यार कि मैं 10 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट भी दिए हैं, हमने हजारों बच्चों को डॉक्टर बनाया है, तो दूसरी मंडी में हमने 10 बच्चों को डॉक्टर बनाया, ये भी कहो ना कि बदन चारण के 2 बेटियां डॉक्टर है, बेटा आईटी में है, एक हमारे डेठो गांव के चारण अंजू दा का भाई दोनों डॉक्टर बने हैं, ये वीडियो निकालो। तो दोस्तों मैं मेरी बात को समाप्ति को लेके जा रहा हूँ, मेरा एक ही विजन है कि मेरा फतेहपुर सीकर को शिक्षा नगरी बनाई है, मैं कोई समझदार नहीं दिखा रहा हूं, मेरा ड्रीम रहेगा कि फतेहपुर को भी एक पहचान, मेरी औकात नहीं है, लेकिन गांव में कहावत है देवता में पुजारी पूजा हुआ है, देवता में पुजारी पूजा हुआ है, ऐसे पुजारी बाबा रामदेव ने योग की खोज नहीं की, माफी चाहता हूं, लेकिन बाबा रामदेव ने योग को दुनिया में पुजाया, और 21 जून को योग दिवस बना के छोड़ दिया, बाबा रामदेव ने यह किया, मैं माफी चाहता हूँ उनसे, दुर्गा की औकात नहीं है, बट मैं उस राम सेतु गिलेरी हूँ जो जब जब इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम इतिहास बनाने वालों में होगा, खराब नहीं हुई है, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, तो फिर बात आएगी तो आपका ये दिल कहता है, आपका दिमाग कहता है कि हमारा श्रवण विधानसभा में बात फतेहपुर उठा सकता है, एक पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़े लिखे मेरी बात नहीं कर, मैंने शिक्षा में काम किया है, ये आदमी कुछ बात कर सकता है, इसका विजन है, तो इस भाई को वहां पहुंचाओ, मैं आपके साथ था, आज भी हूं, आखिरी सांस तक रहूंगा, और एक बात बोलो साहब, हमारी तो अंतिम यात्रा स्वाम निकलनी है, क्यों हमारे सारे पूर्वजों का शमशान एक है, तो मैं मेरा शमशान वहीं रहेगा, मैं मरने के बाद उनसे अलग थोड़ा हो जाऊंगा मेरे पूर्वजों से, मुझे वहीं जाना आखिरी, और 28 अगस्त को रोज शाम मेरे घर का पाया लग गया, उस दिन तो हमें पार्टी का कुछ आइडिया ही नहीं था, आपको भी बुलाया था मुझे पार्टी, तो मैं मेरा सच बताऊं ये सब ईश्वरीय घटनाएं हैं, नियति का निर्धारण है, इसे प्लीज भगवान के फैसले को चैलेंज मत करो, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, फिर मेरे शब्दों में आगे पीछे हुआ तो वहां भी जाऊंगा, इसमें कोई ऐसी रील नहीं बन सकती, तो नेगेटिव बोला मैंने, फिर भी साफ कर देता हूँ, मैं मेरे कर्म से बहुत प्यार करता हूँ, अब तक मेरा कर्म केवल मेरी संस्था था, अब मेरा कर्म मेरी संस्था के साथ साथ मेरे फतेहपुर भी है, मैं उसको कह रहा हूँ साहब, और एक बात सुनो, जैसे कई साथी कहते हैं हम तेरी गार्जियन को नहीं कहता, गार्जियन से पूछो, बच्चे से पूछो, पढ़े कि साहब कई बार 1.5 घंटे वेट करना पड़ा, साहब एक बताओ, एक पुजारी मंदिर पूजा कर रहा है और उसकी बुआ भी आ गई, तो बताओ पूजा छोड़ के क्या बुआ से मिलने आएगा क्या, आया ना, तो बुआ तो बड़ो क्यों नहीं हुआ, तो भाई मंदिर की पूजा का पुजारी जब पूजा नहीं छोड़ सकता, तो मेरी क्लास में 200-150 बच्चे बैठे होते हैं, मुझे उनसे 1.5 घंटे उन्होंने मेरे पे विश्वास किया है, मैं क्लास छोड़ के बाहर कैसे आ सकता हूँ, आप मुझे बताओ कि वो काम करता तो क्या मुझे बैठने का सौभाग्य मिलता,
मैंने उस काम को ईमानदारी से किया है, ये सौभाग्य मिला है। और मैं भाई साहब इतना तो अकद रखता हूँ, इस काम को बहुत ईमानदारी से करूंगा कि मुझे मेरे फतेहपुर को बहुत आगे देखे। इतना बड़ा नहीं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी भारत माता की मेरी बात का एक आपके टिकट वितरण के बाद से ही स्थानीय भाजपा में अंतर कला झुकसा हुआ है। आपको पहला सूटी उम्मीदवार बताया जा रहा है, पहला सूटी उम्मीदवार बताया जा रहा है आला कमान पर टिकट बेचने का आरोप लगा रहा है, जो पॉलिटिकल ग्राउंड पे जो ये आउट ऑफ सिलेबस आया है चैप्टर, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे और डैमेज कंट्रोल करेंगे? देखो डैमेज कंट्रोल कैसे होगा वो तो ये मेरे मालिक मेरे गार्जियन जानते हैं। पैरासूट की बात है तो पैरासूट मुझे कैसे कह रहे हो भाई, मैं फतेहपुर का जाया हुआ हूँ, पत्रोसाओं का जाया हुआ हूँ, मैं पैरासूट कैसे हुआ? दूसरी बात, एक बात आपने बहुत पहले की कि पैरासूट है, राजनीति मेरा लिंक नहीं है। तो एक बात मतलब बताओ मेरे को, यदि आप उसे जवाब ये देंगे तो राज्यसभा में जो लोग जाते हैं, राज्यसभा इसीलिए बनाई गई है कि समाज के कुछ ऐसे लोगों को राज्य में लाया जाए जो समाज में अपना पहचान रखते हैं, वजूद रखते हैं। तो इसलिए मुझे चुना पार्टी ने, और अब अंतर कलह क्या है इसका मुझे पता लगा नहीं, तो मैं चाहूंगा कि इसका तो आप बताएं मुझे। डैमेज कंट्रोल पार्टी करेंगे। वास्तव में आपको लगता है कुछ डैमेज हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री अभी हमारे साथ हैं, यहाँ विधानसभा के संयोजक यहाँ हमारे साथ हैं। इस विधानसभा में जितने जिला पदाधिकारी हैं, जितने टिकट मांगने वाले थे, निश्चित रूप से कुछ लोगों ने ज्यादा मेहनत की, कुछ लोगों ने कम मेहनत की। पार्टी ने एक सर्वे किया जनाक्रोश से लेकर परिवर्तन यात्रा तक, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम जिन लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं उनके अकेले दम पर नहीं जीत पा रहे हैं, इसलिए बड़े लोगों ने बड़ा फैसला किया है। श्रवण जी पार्टी के पास टिकट मांगने नहीं गए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने इनको बुलाकर जन्मभूमि के प्रति कृतज्ञ है और इनकी तटस्थता का लाभ लेने के लिए इनको टिकट दिया है। ये आपत्तिजनक विषय पार्टी में कहीं नहीं है। आपने एक बात कही, चलो आपने कहा कि 20 साल से प्रवासी जाता हूँ, 20 साल से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो आप एक कार्यकर्ता की बात सबकी, तो टिकट तो किसी एक को मिलती, बाकी तो सबको तो नहीं मिलती, टिकट तो एक भी मिलती किसी को, तो फिर सबको विड्रॉ कर देना। पार्टी आपको टिकट किस विजन पर दी? सर मेरी जो बात है पार्टी के सक्षम लोग वो तो साहब बैठा सक्षम लोग उनसे पूछा। देखो फिर सर आप सुनो, निवेदन है पार्टी से जुड़ी बात शर्मा जी से नहीं पूछेंगे, मुझसे पूछ सकते हैं। शर्मा जी से गलत बात, शर्मा जी से शर्मा जी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं या तो शर्मा जी कहे कि आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरी बात सुनो, सर बिल्कुल सही है, मेरे को आप भाई हमें बात करते हैं, बिल्कुल पार्टी ने मुझे आदेश दिया, अब उन मुझे क्या देखा वो कोई जाने भाई। हाँ जो पार्टी ने टिकट दिया तो फुटबाजी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, मुझे तो नहीं लगा जनता के बीच में फुटबाजी, तो 100% तो भगवान राम संतुष्ट है भाई। अच्छा क्या आपने क्या आपको पता था जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन होगा? मैं जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि 25 दिन पहले मैं एक शिक्षक, एक इंसान और एक समाज में अपनी अच्छी इमेज से जी रहा था। वाजपेयी मुझे पार्टी ने बुलाया कि आपको एक मौका दिया जाएगा
और मैं आपके दो प्रश्नों जवाब दे दूंगा, उसके बाद अगले साथी में आऊंगा। पार्टी ने मुझे कहा कि आपको जन्मभूमि के प्रति ड्यूटी निभानी है, मैं आ गया तो उसका परिणाम क्या रहता है? कि मैं तो बिल्कुल मेरी सेटल लाइफ को मैंने छोड़ के आया हूँ, सेटल लाइफ थी उसके, अब इसलिए आया क्योंकि है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज्य करा। सब कुछ पैसा नहीं होता, सब कुछ औरों की होती, लेकिन मैं फकीर उतना बोलने के लिए मेरे काम पैदा होता हूँ दालो सही हो जाते हैं, यदि मैं सही भी हो गया ना मुझे तो दूसरे से भी बात करते हैं, मेरी खुशी सही होगी, मेरी व्यक्ति जल्दी सही होगी, मैं सक्षम, मैं उस घर में पैदा हुआ हूँ जहाँ ये सिखाया जाता है, उस धर्म में पैदा हुआ हूँ, उस देश में पैदा हूँ, उस माटी में पैदा हुआ हूँ कि भैया सब कुछ मान स्वयं मान है, लोकसभा में लेकर जाया हूँ और मेरे पार्टी के लोगों ने मुझे आदेश दिया, उनका आदेश मुझे शुरू पड़ी है सर। थैंक यू जी भाई, आपके प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है क्या कि आप पैसे देकर टिकट लेते हैं? भाई इतने पैसे मेरे पास अभी नहीं, मेरे पास तो पैसे देकर टिकट आए, ये मैं युवाओं को बता दूं रहे, यूथ ये ऐसी अफवाहें हैं जिनसे यूथ डरता है, मुझे तो भैया खाना खिला के भेजा कर रोटी खा जाओ, देख लो रोटी खा आगे देख लो। आपने छापा था 20 साल पहले, तो मैं दो दिन मैंने आपके पैसे दिए होंगे इसका मतलब छापने के लिए भाई। मैं तो रोटी अगला खुआई, लेट हो गया रहा मैं भी जवाब दे रहा हूँ भाई 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 मामा बाल वाली बात है, ये पत्रकार से अच्छा बात। सर एक सवाल बोल रहे, जेजेपी का बीजेपी का गठबंधन, मैं क्यों मेरी पार्टी की बात करूँ, मैं आपको एक सवाल ही पूछ रहा हूँ आपसे, बीजेपी का जेजेपी का गठबंधन रद्द हो चुका है 2013 में, नंद किशोर मेहरिया फतेहपुर से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और उन्होंने दावा किया है कि अब की बार भाजपा और कांग्रेस को लपेट कर रहेंगे। देखो हर आदमी को लोकतंत्र में बांटना अधिकार है, बोलने का स्वतंत्र अधिकार है, और जेजेपी बीजेपी या दिल्ली में क्या गठबंधन है, मैं मेरी औकात नहीं यार, मैं तो पार्टी का फतेहपुर का आखिरी कार्यकर्ता हूँ, बहुत बड़ा भाई 20 दिन का, मैं ये दिन के माफ पीता हूँ, मेरा आपको विजन में बात करें, विजन में आप उसकी बात करें, विजन क्या उसकी बात करें, नामांकन से पहले हाँ। अगर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हो गया हाँ। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे भाई जी? बाप और जबान तो एक ही, भाई यार मैं बाप को बदलूंगा इसको, मैं साथ पार्टी के मैं बैठ साथ रहूंगा, मैं बिल्कुल बैठ साथ रहूंगा, आप इसको सब रिकॉर्ड कर ले, मैं पार्टी की बिल्कुल पार्टी के साथ रहेंगे, मुद्दा ही नहीं है सर भाई, आप किसी लालच में आते हो तो मैं तो केवल जो आदेश की पालना करने मुझे पार्टी का एक श्रमण आदेश करना है, उसके बाद ये हो सकता है फतेहपुर से गठबंधन हो जाता है, और मान लो मुझे तो भाई अच्छी बात है, फिर अभी मुझे फतेहपुर प्रचार करना है और माँ सरस्वती की मृत्यु कृपा है तो मैं अच्छा मुझे पार्टी बड़े हेलीकॉप्टर देगी, ये देखिए मैं सारे स्टेट में प्रचार करता घूमूंगा मैं, और एक बार मंच पे बोलूंगा तो मुझे कई लोग बुलाएंगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है मास्क डालने का, आशीर्वाद है। श्रवण जी एक शेर है, आपको मेरी बता दी रहा को मेरी बता दी, रोड का किराया लेती कांग्रेस, आपने सही कहा कि अब तक जो बीजेपी हारी है उसने कांग्रेस को जीत परोस से ली है, बिल्कुल, तो इस समय जो वापस जो विद्रोही आ रहे हैं उनको कैसे समेटेंगे आप, जो बीजेपी का वोटर सहमत विभाजन हो रहा है उसको आप कैसे रोकेंगे? देखो साहब ना तो मेरी औकात है, ये हर उस बुद्धिजीवी आदमी समझना पड़ेगा कि हमारी पार्टी का नुकसान नहीं हो, और वैसे जो आदमी अपने घर का नुकसान करता उसे बोला देगा, हो सकता है जो आदमी आपके घर में आपका घामा खुद ही वास्ते लगा ले, चिमनी पत्ती लगा ले, अभी तो भोग कैसा, फिर 30 साल हो गए यहाँ बीजेपी निर्दलीय एक बार साथ ही जीते, आप जानते हो देखो बिना पार्टी कोई वजूद नहीं, बिना पार्टी किसी का कोई वजूद नहीं है, वो कहते राम से बड़ा राम का नाम, एक बार एक हिस्सा बता दो थोड़ा सा, जब राम से तो बन रहा था ना तो नल और नील पत्थर ला रहे थे और सारे वानर सेना छोड़ रही थी, वो पत्थर तैर रहे थे, राम जी बैठे लक्ष्मण जी बैठे उधर हनुमान जी बैठे, तो राम जी को लगा यार कुछ काम भी कर लूं, तो राम जी ने पत्थर उठाया छोड़ दिया, वो पत्थर डूब गया, अब राम जी को लगा मेरा पत्थर डूब गया, देख तो नहीं दिया, हनुमान जी थोड़े हंस गए, तो राम जी ने कहा देख ऐसे तो साहब ऐसा कैसे हुआ, बोले यार ये पत्थर डूब गया, तो बोले साहब जिस पत्थर को आपने छोड़ दिया उसको कौन गिरा सकता है, उसने पार्टी को छोड़ दिया भाई, तो कहीं कोई पार्टी से बड़ा कोई नहीं, बिल्कुल कह सकते हो आप, जो भी पेपर तय करते हैं वो सीबीएसई या कमाल करते हैं, आप उनको तैयारी करते हैं कि किस तरह से तैयारी की जाए कि बच्चा पास हो जाए, तो आप आला कमान को देकर अपनी जिम्मेदारी से आप
किस तरह से मैनेज करेंगे, क्या तैयारी हमने कार्यकर्ताओं को कराएंगे, आपकी पार्टी तैयारी करेंगे किस डैमेज को कंट्रोल कर सके, जो पार्टी का महासभा का जो है उसका पद विभाजन कैसे रोकेंगे? मैं तो बिल्कुल बताऊं, मैं जितने लोगों मैं जितने लोगों से मिला हूं, सबने मुझसे बात की है, मुझे घर पे चाय पिलाई है, पानी पिलाया, लाल की कोई नहीं है, सबने कहा इस तरह चल रहे हैं भाई, इसलिए एक बार अपन सब इसको एक्टिवेट। मैं भी बहुत से लोग कह रहे हैं आप आए नहीं गाँव में, उनका मैं सात पक्ष में स्टार्ट नहीं हुआ, ये चाय की चर्चा ये क्या है, ये सब मेरी आवाज आ रही होगी, ये मीटिंग पता किस बात की है? मैं गाँव में छोटा था ना, तो हमारी बहन की या भाई शादी होती थी ना, तो शादी के पहले मीटिंग बैठती थी, खिचड़ी के लावा, लाडू बनावा, पेठा बनावा, पेवड़ो गाला, माधुर्यो गाला, लुगड़ो लावा। तो आज मीटिंग की बात की होगी, सारा मेरा भाई आप बताऊंगा अपन फतेहपुर के लिए काम किया कर रहे हैं, तो कुछ भाई उसके साथ उसके बाद मारा लाल करना सब लगेंगे। कमल खिल के रहेगा, किसी को बहम है तो मिटा ले, मैं वो तुम्हारा लाइन है कि हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना, जो खुद चिल्हारा तो उस पे फिर अधिकार क्या करना। मेरे पिता ने बात कही, मेरे पिता ने बात कही कि आते ही सब कुछ थाली मिल जाता है ना, तो फिर हो सकता है कि मजा ही नहीं आता, तो बिना बिना स्ट्रगल के। तो आप कह रहे हो, आप जो कह रहे हो सकता है ये हमें, मेरे को इस बात पे आपके प्रश्नों से मजबूती मिल रही होगी, मुझे कोई नाराज नहीं मिला, श्राद्ध पक्ष का कारण ऐसा हो सकता है। नवरात्रि बाद अभी हम लोग कल यहाँ माँ नवरात्र की पूजा करूंगी, नवरात्र करता हूँ मैं तो घर पे कर नहीं पाऊंगा, तो यहाँ करूंगा तो बात उनके सब ठीक रहेगी। हम जानते हैं जन्नत की हकीकत गालिब, हम जानते हैं जन्नत की हकीकत गालिब, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। आपने जो यहाँ चेहरे उपस्थित है उन पर तो चर्चा की, पर तो जो चेहरे जो मजबूत स्तंभ या नहीं है उनके बारे में आप नहीं, देखो मेरी बात सुनो, हर व्यक्ति मजबूत स्तंभ है साहब, आप किसी को कमजोर नहीं कर सकते। यहाँ जो कार्यकर्ता खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी, सुनो साहब, माना मेरे देश की तरफ से 41 करोड़ है, तो मैं भी 1/41 करोड़ भारत हूँ साहब, हर व्यक्ति 1/41 करोड़ भारत होता, किसी को मजबूत कमजोर नहीं कर सकते साहब, हर व्यक्ति। एक करोड़ की गाड़ी में 50 पैसे का वास्तविक भाग निकालो ना, तो गाड़ी किसी काम की नहीं होती साहब। और वोट की कीमत अपने समाज के जो अंतिम व्यक्ति कह सकते हैं, महामहिम राष्ट्रपति के जो वोट काउंट होते हैं सबसे बड़े हमारे महामहिम राष्ट्रपति बड़ा तो है ही देश में, उनके लिए काउंट होता साहब। तो ये थैंक यू सर। ये जानना चाहेंगे कि आप अगर विधायक बनने के बाद आपका फतेहपुर के लिए क्या विजन रहेगा, क्या आप करेंगे? मैं विधायक बनता हूँ तो आपके स्टार्ट लेने, पहले तो आप ये स्वीकार करो कि सीकर सिक्स तरह के बनाने को रोल है कि नहीं मेरा है ना, तो जब मैं सीकर को बनाया हूँ। अच्छा एक बताओ, चलो अब आज बात कर लेते हैं, मैं कोटा से डिग्री करके निकला तो कोचिंग तो कोटा के बाहर कहीं नहीं थी ना, तो आप सोच के देखो यारो, मैं कोटा में कोचिंग स्टार्ट कर तो मैं जंगल में क्यों बी टेन, कि मेरा सपना था हर गांव से डॉक्टर खोलने के लिए, मैंने अपना मालिक आज का लिखा हुआ नहीं, ये 19 ना लिखा हुआ है, मेरा सपना था तब सीकर मेरे लिए मेरी जन्मभूमि, अपने आप की बात होगी फतेहपुर सीकर, उसमें फतेहपुर अपना तहसील हेडक्वार्टर था, वहां कोचिंग डेवलप की मैं बात, तो सीकर किया और आपसे बहुत छोटे थे उस समय सीकर में कोचिंग बजा का वही कहानी, फतेहपुर को भी शिक्षा नगरी के रूप में फॉर्मेट करेंगे। और मैं एक कमिटमेंट तो नहीं करूंगा, एक खुद से वादा है, आप सब बैठे हो सारे, इसको आप नोट कर ले आज को, मेरा विजन है कि 70 साल के देश के आजादी के बाद फतेहपुर तहसील में जितने डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आरएस बने, अधिकारी बने कह सकते हैं अपन सारे नाम, वो 70 साल में बने, वो मैं अगले चुनाव में जब आपके पास आऊंगा तो वो संख्या आपको लाके दिखाऊंगा, तो मानो सपनों से आप बार बार कह रहे हैं 30 साल से कमल नहीं खिला, नहीं खिला 30 साल से कमल, 30 साल में भाजपा का ऐसा विरोध कभी नहीं हुआ जो इस समय हो रहा है, इसको लेके आप इसको कंट्रोल करने के लिए दो, एक तरफ जेजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ आपके फैमिली मेंबर आपके खिलाफ में खड़े हैं, ऐसे में आप कौन सी शिक्षा नीति अपनाओगे, गुरु नीति अपनाओगे कि इन सबको मैनेज कर जाओगे? सच्चाई, इंसानियत, बीजेपी की साख और नरेंद्र मोदी नेतृत्व, मेरे इस पार्टी का इस देश को जो पिछले जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं
जहां हर स्टेशन पे आप किस अनाउंसमेंट सुनने वाले थे, लावारिस बैग को छूने बम हो सकता है। मुझे खुशी है मोदी के पीएम बनने के बाद अनाउंसमेंट बंद हो गए स्टेशनों पे, उस नीति को लेके आऊंगा, लोगों को मिलना उसको बुलाएंगे। और बातें दोस्तों, देखो भाई मैं किसान का भी हूं, मैं बीस खेती भी की, मेरा सौभाग्य है मैं 20 साल किसान रहा हूं, 30 साल अध्यापक रहा हूं। जब एक किसान जमीन पे बीज बोता है ना, तो उम्मीद पे बोता है कि फसल मेरे घर पे आएगी, उस पे पता नहीं कितनी बाधाएं आती है, ओड़ा पड़े, वे बरसे, कम बरसे, ज्यादा बरसे, और कई बार बाई चांस नहीं भी है, किसान उसी उम्मीद से वापस। तो हम तो उम्मीदों के सारे जीते हैं। आज कोई साथी आपको लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, कल हमारे साथ हो जाएंगे, आज हमारे सब। तो ये बात है दोस्तों, सर एक लास्ट सवाल आपसे है, आपसे कई बार सवाल पूछा गया फतेहपुर की जो गुटबाजी है उसको आप कैसे खत्म करेंगे, लेकिन आप घुमा घुमा के बात बता रहे जो नहीं आए वो आपको दिख रहे हैं टिकट के दावेदारों में, सरोज जी पहले दिन से साथ में, गौर दिन जी रुकल सर पहले दिन से, में शोक से रहते हैं, चार ही आते हैं, मतलब आपका कहना ये गुटबाजी नहीं पार्टी में, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई नाराज हो सकता है गुटबाजी में, गुटबाजी तात्कालिक नाराजगी को आप गुटबाजी का नाम देकर के क्या सिद्ध करना चाहते हैं पता नहीं। गुरु जी आगामी कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे। श्रवण जी मेरा एक प्रश्न है सर, जैसे ही विधायक बनते हैं विधायक का फोकस सिर्फ फतेहपुर पे रहता है, रामगढ़ अदर जो गांव है उनमें कभी कुछ नहीं संभाला जाता, रामगढ़ की जो आज आप स्थिति देखेंगे तो बहुत दयनीय है, उसका आप पे क्या कहना है? बढ़ा दिया था विधायक, पहले तो आपके मुंह में घी सकता और आप जिस तरह से पूजा पाठ व्यक्ति लग रहे हैं तो आपकी जुबान फले भगवान करे वो मां साथ आपकी जुबान बैठे। पहली बात तो रामगढ़ फतेहपुर की बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कोचिंग में 11 स्टेट के बच्चे पढ़ते थे, रामगढ़ से गांव आती है तो बात कर सकता, अभी ये तो आपका चुनाव है विधानसभा का, विधायक बनने के बाद सिर्फ फतेहपुर याद रहता है, रामगढ़ भूल जाते हैं। फतेहपुर सॉरी मैं आदत पड़ी हुई बच्चा दिख रहा था, मेरा पत्रकार महोदय है रामगढ़ फतेहपुर इसलिए बोलते हैं विधानसभा रामगढ़ फतेहपुर हमारा, इसलिए बात घर में दो बच्चे होते हैं ना मेरे बात, रमेश और महेश दो बेटे हैं ना, तो बड़ा रमेश है गांव का था, रमेश की माँ है, बिन महेश की माँ को उनकी रमेश की माँ थी, अब महेश गांव हम चार बहन भाई हैं मेरी बड़ी बहन का नाम सुमन है, मेरे काम पिताजी को आज भी के बाद सुमन का सुमन वाली माँ है सुमन की, इसलिए आप अब छोटा बच्चा है छोटा भाई है तो थोड़ा बड़े भाई को भी थोड़ा सा ऐसे सरवण चौधरी संघर्ष करो हम तुम्हारे हैं।